हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज फूड लवर में। सो फ्रेंड्स, राज फूड लवर में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज के ऑर्गेनिक पराठे, कि कैसे आप अपने घरों में आलू प्याज के ऑर्गेनिक पराठे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल राज फूड लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके कि आप कैसे अपने घरों में इस ऑर्गेनिक रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर ऑर्गेनिकली अपने यहाँ पर धनिया पुदीना जो भी यहाँ पे उगा रखा हो वो हम उस पराठे में डालेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपनी क्यारी में, ये देखते आप, और यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक फ्रेशली यहाँ पर धनिया उगाया है और मूली के पत्ते भी दोस्तों मैं थोड़े से इस परांठे में डालूंगा। और ये देखते आप दोस्तों, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती हम लोग यहाँ पर करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी खाद यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, केवल और केवल जो गोबर होता है पशुओं का वही इसमें हम डालते हैं जो हमारी फसल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ऑर्गेनिक परांठे के लिए यहाँ पर थोड़े से ले लिए मैंने मूली के पत्ते, ये धनिया। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स भी लगाए हुए, ये देखते हैं आप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाया है हमने पुदीना, ये देखते हैं आप। तो पुदीनों को भी मैं अपने परांठे में डालूंगा दोस्तों, ये देखते हैं आप इस तरह से, तो काफ़ी स्वादिष्ट और लजीज पराठा बनने वाला है दोस्तों। इस तरह से निकालेंगे और इसको डालेंगे अपने सारे के सारे ऑर्गेनिक चीज़ें अपने परांठे के बीच डालूंगा, फिर देखेंगे आप कितना शानदार हमारा आलू प्याज का परांठा बनेगा। ये देखते हैं ऑर्गेनिक। सो गाइस, ये देखते आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से धो लिया जाए। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू प्याज के पराठे बनाने के लिए एक मैंने आलू लिया है, एक प्याज लिया है, इसको बढ़िया से चॉप कर लेंगे, एक हरी मिर्च ली हुई दोस्तों, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए थे इनको बढ़िया से चॉप कर लेंगे। सो गाइज, सारा का सारा मटेरियल बढ़िया से चॉप कर लिया है, अब इसमें डालेंगे नमक और जीरा पाउडर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाल दिया है एक चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और इसको दोस्तों बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो गाइज़, आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से मिक्स कर लिया है, अब इसकी करेंगे स्टफिंग। सो गाइज, यहाँ पर कर ली जाए स्टफिंग, ये देखते आप। सो मैं यहाँ पर बेसिकली दो ही पराठे बना रहा हूँ, ये देखते आप, बिल्कुल शानदार और बेहतरीन पराठा बनने वाला दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखते आप इस तरह से इसको ऐसे गोल कर लेंगे बढ़िया से। सो गाइस, स्टफिंग करने के बाद इसको अच्छे से बेल लिया जाए, ये रिश्ते आप ऐसे इस तरह से, ये रिश्ते। सो गाइस, बेलने के बाद इसको डाल लिया जाए अब तवे के ऊपर, ये रिश्ते आप, और इसको बिल्कुल मीडियम आंच में पकने देंगे दोस्तों। सो गाइस, आप देख सकते हैं पराठा हमारा हल्का हल्का पक रहा है और इसको खाएंगे हम अमूल बटर के साथ। सो गाइस, एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। सो गाइस, पराठा रेडी होने के बाद इसके ऊपर डाल दिया है मैंने मक्खन। सो गाइस, आप देख सकते हैं पराठे में लगा रहा हूँ मैं इस टाइम ऊपर से अमूल मक्खन, ये देखते आप, इसको अच्छे से इसमें लगा लूँगा। और दूसरी तरफ भी आप दोस्तों पराठा देख सकते हैं हमारा, ये देखते हैं दूसरी तरफ भी दूसरा पराठा रेडी होने ही वाला है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पराठा भी लगभग रेडी हो चुका है, ये देखते हैं बहुत ही अच्छे से यह पक चुका है, और इसमें भी दोस्तों हम मक्खन लगाएंगे और उसके बाद मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से यह पराठे बने हो दोस्तों। तो आओ इसको इसके बाद कर लिया जाए टेस्ट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे आलू प्याज के ऑर्गेनिक पराठे बनकर तैयार है, और यहाँ पर साथ में लिया दोस्तों मैंने हरी चटनी जो हमने यहाँ पर खुद बनाई है होटल में, और लस्सी का गिलास, बिल्कुल फ्रेश लस्सी और पराठे के साथ। इसको दोस्तों करने जा रहा हूँ मैं टेस्ट, तो आओ इसको टेस्ट कर लिया जाए। ऊपर से भी ऊपर। सो गाइज, इस तरह से ऑर्गेनिक आलू प्याज के परांठे अपने परिवारजनों को खिलाएं,
इस तरह की जो हमारे घर के आसपास इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें डालें और अपने परांठे का टेस्ट अपने नॉर्मल परांठों के टेस्ट से भी बेहतर पाएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी ऑर्गेनिक रेसिपी सभी लोगों तक पहुँच सकें। तो आपसे आगे लेता हुआ मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।